السلام عليكم كلاس، ويلكم تو بلوستان اديوكيشن شانل. ربي شرح لي صدري ويسر لي همري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, 8.1 से है. और ये जो क्वेश्चन है इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से रेगुलर पेंटागॉन हम बना सकते हैं. पेंटागॉन, पेंटा का मतलब होता है फाइव. तो पेंटागॉन हमारे पास जो फाइव कोने वाला या फाइव साइड वाला जो शेप होता है उसे पेंटागॉन कहते हैं. तो जब ये बन जाएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि पेंटागॉन होता क्या है. इससे पहले जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, हमने यूनिट नंबर 7 में डिस्कस किया था. तो कुछ चीजें यहाँ पे यूनिट नंबर 7 से भी है, अगर वो आपको नहीं आते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है. तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो आप यूनिट नंबर 7 जाके एक दफा देख ले और फिर वापस यहाँ पे आके आपने ये वीडियो देखना है तो आपको समझ आ जाएगा. बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज हम कैसे कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं रेगुलर पेंटागॉन जिसका हमें एक साइड गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है और यही कैलकुलेशन जो है यूनिट नंबर 7 से है. दोस्तों, अगर आपको याद हो कि हमने सीखा था कि सम ऑफ एंगल्स किसी भी हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगॉन है, अब पेंटागॉन भी तो पॉलीगॉन ही है, तो किसी भी पॉलीगॉन के जो एंगल्स है उनके सम को पता करने का जो फॉर्मूला है वो हमने यूनिट नंबर 7 में सीखा था. तो हमें पता है रेगुलर जो पेंटागॉन है उसके कितने साइड्स है, 5 साइड्स है. अब दोस्तों, हमें अगर ये पता है कि इसके 5 साइड्स है तो ये भी पता होना चाहिए कि 5 साइड्स है तो हर 5 कोने भी होंगे, और 5 कोने हैं तो लाजमन सी बात है हर कोने पे एक एंगल भी होगा. इसका मतलब टोटल हमारे पास 5 एंगल है. अब जो फार्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मैंने यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स कर दिया है. इंटीरियर एंगल्स लिख ले या एंगल्स लिख ले, एक ही बात है. तो ये इक्वल है किसके, इक्वल है एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री के. एन का मतलब जो नंबर ऑफ एंगल्स है हमारे पास वो. तो नंबर ऑफ एंगल्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 5. टोटल हमारे पास 540 एंगल्स है, ये इनका टोटल है. 5 एंगल्स मिला के जो बन रहा है वो है, लेकिन हमें सिर्फ वो एंगल पता करना है. अब देखिए, ये साइड जो जुड़ रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये इसकी क्या मेजरमेंट्स होंगे ये पता करना है. तो उसके लिए ईच एंगल का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे. लाजमन सी बात है, सम ऑफ एंगल्स आपको पता होगा तभी ईच एंगल यानी ओनली एंगल या एक एंगल का पता कर सकते हैं. किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 5 साइड्स है. और आंसर इसका, जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 108 डिग्रीज. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि ये क्या चीज है, ये इसके एंगल का जो हमारे पास सिंबल होता है वो है. तो अब हमें पता चल गया कि एक एंगल हमारे पास 108 डिग्रीज का है. तो अब हम इजीली अपना जो पेंटागॉन है वो क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम हमारे पास जो साइड गिवन है, साइड की लेंथ है, वो हम एक सेगमेंट क्रिएट करेंगे बिल्कुल उसी लेंथ की जो हमें गिवन है. तो यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स लगा के आपने लाइन क्रिएट करना है, और जो लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर उसी का, और इस सेगमेंट को हम नाम देंगे पी क्यू. तो हमने पी क्यू ड्रॉ किया. क्यू पे आपने इस तरह से डी फुट का सेंटर रखना है. याद रहे जो नीचे का लाइन है स्ट्रेट लाइन वो हमारे बनाए हुए सेगमेंट के बिल्कुल सेम उसी तरह से हो, और यहाँ पे जो हमने एंगल 108 डिग्री का लिया था तो 100 के बाद आपने 8 तक लाइंस को काउंट करना है, और जो 8th लाइन है वहाँ पे आपने डॉट लगा के इस तरह से एक रे क्रिएट करना है, और इस रे को आपने क्यू ए का नाम दिया. क्यू तो हमने बना लिया ए, और ये जो एंगल है हमारे पास 108 डिग्री का है. अब कंपास को 5 सेंटीमीटर के लेंथ पर ओपन करें. क्यू को सेंटर बना के जो रे क्यू ए है वहाँ पे एक आर्क बनाएं, जिस पॉइंट पे ये आर्क बनेगा
वो हमारे पास सेकंड साइड का लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब इसी तरह से जैसे हमने क्यू पे डी रखकर 108 डिग्री का जो लेंथ लिया था हमने एंगल का, वही लेना है। याद रखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसमें 108 को आपने लेना है। लाइंस ऊपर वही सेम है, ये जो 70 आपको दिख रहा है, लेकिन ब्लू लाइन में हमारे पास 100 का जो नंबर होता है नीचे, वो आपके पास भी डी में मौजूद होगा। अब ये जो हमारे पास दूसरा रे बन गया पी बी, अब इस पे भी सेम उसी तरह से आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर पे खोल के पी को सेंटर लेके यहाँ पे एक आर्क बनाना है। इस पॉइंट को आपने नाम देना है आर्क का और इस पॉइंट को नाम देना है टी का। ये हमारे पास 3 साइड्स बन गए। अब जो हमने आर बनाया था वहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे कंपास को खोल के एक आर्क बनाना है, और इसी तरह से टी को सेंटर लेकर एक और आर्क बनाना है जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। जो पॉइंट है यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, आर्क को इससे मिलाना है। इस पॉइंट को हमने एस का नाम दिया है और इस एस को टी से मिलाना है। इस तरह से हमारा जो रेगुलर पेंटागॉन है वो बन गया है। इसके तमाम साइड्स 5 सेंटीमीटर के हैं और तमाम एंगल्स 108 डिग्री के हैं। वैसे तो दोस्तों हमने अपना रेगुलर पेंटागॉन बना लिया, और इसके स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ कि पहले स्टेप हमने एक सेगमेंट पी क्यू क्रिएट करना था 5 सेंटीमीटर का, ये हमने कर लिया। फिर हमने क्यू को सेंटर लेकर, ठीक है, क्यू को सेंटर लेकर 108 डिग्री का हमें एंगल क्रिएट करना था, और उसको हमें किस तरह से क्रिएट करना था, प्रोटेक्टर या फिर डी फुट आप कहे उससे। और हमारे पास जो रे क्यू ए वो हमें ड्रॉ करना था, क्यू ए ये हमने कर लिया। फिर हमने इसी तरह से जो है क्यू को सेंटर लेकर हमने आर्क के जरिए जो हमारे पास रे क्यू ए है इस पे रेडियस 5 सेंटीमीटर का हमें एक आर्क क्रिएट करना था जो कट कर रहा था क्यू ए को आर पॉइंट आर पर, ये वाला पॉइंट आर पर, ये हमने किया। इसी तरह से फिर हमने पी पे, पॉइंट पी पे 108 डिग्री का हमें एंगल क्रिएट करना था और ड्रॉ करना था पी बी, ये रे पी बी हमें क्रिएट करना था, ये हमने किया। फिर हमें पी को सेंटर लेकर जो पी बी हमारे पास रे था उस पे एक आर्क क्रिएट करना था 5 सेंटीमीटर का, ये वाला। और कौन से पॉइंट पे ये पी बी को कट कर रहा है, टी पे, पी बी को, रे पी बी को पॉइंट टी पे कट कर रहा है। फिर इसके बाद हमने टी को सेंटर लेकर ड्रॉ करना था आर्क रेडियस 5 सेंटीमीटर का, हमेशा हमारा 5 सेंटीमीटर का था, हमने यहां से यहां पे एक आर्क क्रिएट करना था। और इसी तरह से आर्क को सेंटर लेकर हमने सेम ड्रॉ करना था एक आर्क जो 5 सेंटीमीटर के रेडियस जिसका होना चाहिए था यहां से यू, और ये प्रीवियस जो आर्क था हमने क्रिएट किया था उसको कट करना है, इसको कट करना था जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और इस पॉइंट को हमने एस का नाम दिया था, तो पॉइंट कौन सा है, एस, ये हो गया स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 7 में हमें क्या करना था, आर को एस से और एस को टी से ज्वाइन करना था, हमने किया। और हमारे पास पी क्यू आर एस जो रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागॉन था वो तैयार हो गया। याद रखना दोस्तों कि इसके जो एंगल्स है, जितने भी एंगल्स है, ये या फिर ये सब 108 डिग्री के है। अगर ये सब आपने नहीं लिखना फिर ये दोनों आपने जरूर लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें एग्जागॉन सीखना होगा, वो उसका कॉन्सेप्ट टोटल इससे चेंज है, इसलिए उसको मैं अलग वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बगैर ये सही नहीं बनते और एंगल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं।
इसलिए प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और हाँ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।